दिल्ली की ज्वेलरी शॉप से 20 करोड़ की चोरी करने वाले दो आरोपी छत्तीसगढ़ से पकड़े गए। पुलिस ने भिलाई के स्मृति नगर में छापा मारकर एक घर से 18 किलो से ज्यादा सोने की ज्वेलरी जब्त की है। इसकी कीमत करीब 10 करोड़ रुपए आकी जा रही है। मामले में दो आरोपी लोकेश श्रीवास और शिवा चंद्रवंशी को अरेस्ट किया गया है। आरोपी लोकेश सलून में काम करता था। उसका सपना है कि वो सोने की कैंची, सोने की कंघी और सोने के उस्तरे से पीएम नरेंद्र मोदी के बाल काटे। लोकेश दिल्ली में चोरी के बाद प्लास्टिक सर्जरी करवा कर पहचान भी बदलने वाला था। पुलिस ने आरोपी की बाइक की डिग्गी से 10 लाख कैश बरामद किया है। एक थार कार भी बरामद की है। एक तोला सोने की कीमत करीब 60,000 रुपए है। इस लिहाज से 18.5 किलो सोने के जेवर की कीमत करीब 11 करोड़ रुपए होती है। बिलासपुर SP संतोष सिंह के मुताबिक एंटी क्राइम, एंटी साइबर यूनिट और सिविल लाइन पुलिस स्टेशन की पुलिस शहर में चोरी की कई घटनाओं की जांच कर रही थी। एक चोरी का मामला आया है। दुर्ग में एक रात को रेड की कार्रवाई की गई थी, जिसमें एक चोर लोकेश श्रीवास को पकड़ा गया। बेसिकली उसके खिलाफ हम लोग के 7-8 चोरियों के मामले बिलासपुर में अलग अलग थानों में दर्ज थे। कल उसके एक साथी को पकड़ा गया था कवर्धा से, जिसके साथ 23 लाख का सामान, ज्वेलरी और कैश मिला था। जब उसके बाद वो वहीं से भागा था और हमारी टीम जब वहाँ पहुँची, रायपुर और दुर्ग की पुलिस को भी साथ लेके हम लोग पहुँचे थे। और वहाँ जब उसको पकड़ा गया लगभग 12.5 लाख जो कैश है उसके घर से मिला है। और चेक करने के बाद दिल्ली में काफ़ी बड़ी चोरी हुई थी, उस चोरी के भी लगभग जो 18.5 किलो सोना, डायमंड ज्वेलरी भी मिला है। दिल्ली पुलिस भी टीम भी पहुंची हुई थी। एक हम लोगों ने कार्रवाई मिलकर की है और इसमें हो सकता है कि आने वाले समय में और भी खुलासे हो। अभी हम लोग चोरों को लेके यहाँ आ रहे हैं। उम्मीद है कि जिस तरह से इन्होंने चोरियाँ की हैं, इंटर स्टेट गैंग है, कुछ और लोग शामिल हो सकते हैं, कुछ और चोरियों के खुलासे हो सकते हैं। तीनों पुलिस, दिल्ली पुलिस, रायपुर पुलिस, बिलासपुर पुलिस, दुर्ग पुलिस, सभी दावा कर रही है कि इसमें सफलता हासिल की है। ये देखिए, ये जो रेड की कार्रवाई जो की गई थी, इसमें काफ़ी समय से, जैसा मैं बताया, हम लोग की टीम काम कर रही थी। कल भी एक जो यहाँ रेड हुआ था उसमें हम लोगों ने पकड़ा, उसके बाद से ये भग के गया था, तो वहाँ उसको पकड़ा। दिल्ली पुलिस भी काफ़ी समय से चोरी के मामले में वो लोगों को खोज रहे थे, वो भी टीम पहुँची हुई थी। तो एक अच्छा, सभी टीमों के लिए एक सफल ये अभियान माना जाएगा और इसमें और चोरियों का भी खुलासा हो सकते हैं। इसके बाद पुलिस ने लोकेश को दुर्ग के स्मृति नगर इलाके से गिरफ्तार कर लिया। लोकेश के पास करीब 18 किलो से ज्यादा की सोने की ज्वेलरी बरामद की गई है और साथ ही 12 लाख से ज्यादा का कैश मिला है। लोकेश श्रीवास ने बताया कि बिलासपुर में वो चोरी की 7 घटनाओं में शामिल था। मामले की जांच के लिए दिल्ली पुलिस भी छत्तीसगढ़ पहुंची है। आरोपियों को दिल्ली लाया जाएगा। आपको बता दें कि दिल्ली के भोगल इलाके में 24 सितंबर की रात उमराव सिंह ज्वेलर्स शोरूम में 25 करोड़ की चोरी हुई थी। चोर चौथी मंजिल का ताला तोड़कर दुकान में घुसे, फिर स्ट्रॉन्ग रूम की दीवार काटी थी। दिल्ली पुलिस ने इस घटना का CCTV फुटेज मिलने का दावा किया था। CCTV फुटेज में दो चोर देखे गए थे। शोरूम के मालिक संजीव जैन ने बताया था कि हम रविवार 24 सितंबर की रात 8 बजे दुकान बंद करके चले गए थे। सोमवार को छुट्टी रहती है। मंगलवार यानी कि 26 सितंबर की सुबह 10:30 बजे जब शोरूम को खोला गया, तब हर तरफ धूल थी। जांच के बाद पता चला कि शोरूम में रखे सभी गहने गायब हैं। सोना, चांदी और हीरे समेत करीब 20 से 25 करोड़ के सामान की चोरी हुई थी और इसके साथ ही 4 से 5 लाख रुपए कैश भी गायब था। चोर शोरूम की चौथी मंजिल से छत का ताला तोड़कर नीचे आए थे और इसके बाद स्ट्रॉन्ग रूम की दीवार काटकर शॉप में दाखिल हुए थे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।